नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वैक्सीन खत्म, केंद्र पर लगा ताला, एक और हत्या का मास्टरमाइंड निकला सफेल कर, घाटे को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। वैक्सीन खत्म, केंद्र पर लगा ताला। वाड़ी में पिछले एक सप्ताह से टीकाकरण अभियान चल रहा था, करीब 7,000 लोगों ने इसका लाभ लिया। अभी उतने ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाने वाली थी, लेकिन शुक्रवार को वैक्सीन खत्म हो गई, जिससे सेंटर पर ताला लगाना पड़ा। इससे काफी लोग निराश होकर घर लौट गए। सेंटर पर आरटीपीसीआर किट भी खत्म होने से अब एंटीजन जांच की जा रही है। बताया गया है कि अभी तक 7,000 लोगों ने वैक्सीन ले ली है, करीब 7,000 लोगों का टीकाकरण किया जाना है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं का बोर्ड देखकर लोग वापस लौट गए। लोगों का आरोप है कि केंद्र पर आरटीपीसीआर जांच नहीं की जा रही है, उसकी जगह एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, जिस पर लोगों को भरोसा नहीं है। लगातार पॉजिटिव की संख्या बढ़ने से तत्काल वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। तहसील में सभी जगह वैक्सीन केंद्र बंद पड़े हैं। तो वही दूसरी और एक और हत्या का मास्टरमाइंड निकला सफेलकर। गैंगस्टर रंजीत सफेलकर एक और हत्याकांड का मास्टरमाइंड होने का खुलासा हुआ है। बरसों पहले उसने कार से कुचल कर पत्नी के मित्र की हत्या कराई थी। खापरखेड़ा थाने में यह मामला सड़क हादसे के रूप में दर्ज है। अब पुलिस इस मामले को फिर से खोलने की तैयारी में है। 22 मार्च 2007 को खापरखेड़ा थाने की हद में वाले गांव के जंगल में सड़क हादसा हुआ था। इस हादसे में कामटी के कमसरी बाजार निवासी विशाल की मौत हो गई थी, लेकिन यह मामला सड़क हादसा न होकर हत्या का मामला है। विशाल को कार से कुचलकर मारा गया था। दरअसल सफेलकर के परिवार में विशाल किसी महिला का मित्र था। यह बात रंजीत को अच्छी नहीं लगती थी। इस मामले में रंजीत ने भद्रे की मदद से विशाल की हत्या करने की साजिश रची। योजना के तहत 50,000 रुपए देकर गौरव ने कार से विशाल को कुचल दिया था। बाद में गौरव ने थाने में समर्पण कर दिया था। उसका कहना था कि कार के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ था। अदालत ने भी गौरव को इस मामले में बरी कर दिया है। अब रंजीत की गिरफ्तारी से विशाल की मौत का राज खुल गया है। हत्या का यह एक और मामला रंजीत और उसके अन्य साथियों के खिलाफ दर्ज होने के संकेत पुलिस सूत्रों ने दिए हैं। तो वही तीसरे और घाटे को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत। भूखंड अनियमितता मामले में घेरे आरोपी मुकुंद घाटे को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अंतरिम जमानत प्रदान की है। मामले में हाईकोर्ट ने बेलतरोडी पुलिस को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। सत्र न्यायालय ने 7 अप्रैल को आरोपी की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद घाटे ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। इस मामले में न्यायाधीश विनय जोशी की खंडपीठ में शुक्रवार को सुनवाई हुई। राहुल राउत निवासी न्यू स्नेहा नगर की शिकायत पर घाटे व अन्य 2 आरोपियों पर पुलिस ने भांडवी की धारा 420, 465, 467, 471, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी के अनुसार आरोपी की बेसा में खसरा क्रमांक 4/1 पर पंजीकृत 9 एकड़ जमीन थी। वर्ष 1986-87 में इसका विभाजक करके 5 एकड़ जमीन क्राउन सोसाइटी और 4 एकड़ मिरन को ऑपरेटिव सोसाइटी को बेची गई। उसके बाद प्लॉट बिक्री के लिए निकाले गए। घाटे ने क्राउन सोसाइटी के अध्यक्ष नारायण पाहुने और मिलिंद सोसाइटी अध्यक्ष शालिकराम ढोरे के साथ मिलकर नकली नक्शे और नकली सेल डीड बनाकर लोगों को प्लॉट बेचे। हाईकोर्ट में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अभिवक्ता अविनाश गुप्ता और एडवोकेट आकाश गुप्ता ने पक्ष रखा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर है, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।